रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। बीते 46 दिनों से दुनिया भर की नजरें यूक्रेन पर जमी हुई है। यूक्रेन पर रूस की गोलाबारी जारी है, जिससे लोग पलायन कर रहे हैं। कई लोग युद्ध में अपनी जान भी गंवा रहे हैं। लेकिन इसी युद्ध के बीच आज दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और नई दिल्ली पर भी टिक गई है, क्योंकि सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल बैठक होने वाली है। ये दोनों ऐसे देश हैं जो इस युद्ध में शामिल तो नहीं हैं, लेकिन इस युद्ध की जड़ों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इस बैठक में वैसे तो कोरोना महामारी को खत्म करने, जलवायु संकट से मुकाबला करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में इंडो पैसिफिक और रूस यूक्रेन युद्ध पर गंभीर चर्चा होना तय है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन का मंच हो या क्वाड का मंच, भारत ने इन्हीं मंचों से ये बात भी बार बार कही है कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि इसका समाधान भी बातचीत से ही होना चाहिए। आज ही भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक होने वाली है, जिसे दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बातचीत की टेबल पर आएंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये दोनों देशों के बीच पहली 2+2 मीटिंग है, जिसको लेकर राजनाथ सिंह और जयशंकर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहीं इस बैठक को लेकर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक होनी है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात का दबाव बनाएंगे कि भारत यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर कड़े रुख अपनाए। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की बैठक को लेकर जेन साकी ने कहा, हमारी सरकारों, अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने भारत का दौरा किया था और रूस के नाम पर भारत को चाइनीज धमकी देने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत पर अमेरिका के इन दबावों का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ और उसने रूस के साथ अपनी दोस्ती जारी रखी। पाकिस्तान की राजनीतिक पिच पर पिछले एक महीने से जो ताबड़तोड़ सियासी खेल खेले जा रहे हैं, अब उस फाइनल टूर्नामेंट का अंत नजर आने लगा है। पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक किसी एक के हाथ में देश की कमान ना आ जाए। जहां एक ओर पाकिस्तान में आज नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, जहां शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना पूरी तरह से करीबन तय माना जा रहा है, वहीं इमरान खान अपने हाथ से सत्ता चले जाने के बाद भी एक आखिरी बार कप्तान की पारी वाला सुपर ओवर डालना चाह रहे हैं, जहां उन्होंने खिलाड़ी बनाया है आवाम को। इमरान खान अब अपने समर्थकों का सहारा लेकर देश भर में उनके सपोर्ट में हो रहे विरोध प्रदर्शन को धार बनाकर मैच में आखिरी दम तक टिके रहने की कोशिश में है। आखिर हो भी क्यों ना, वो ठहरे जो एक स्पोर्ट्समैन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को देश के उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रैली को सफल बनाया। इमरान खान ने कहा कि हमारे इतिहास में इतनी भीड़, इतनी अनायास और इतनी संख्या में कभी नहीं निकली। बता दें कि पीटीआई ने रविवार को पाकिस्तान के कई शहरों में रैली निकाली थी। पार्टी की ये रैली इमरान खान के समर्थन में निकाली गई। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें इमरान खान की सरकार हार गई। इमरान खान के हाथ से सत्ता अब जा चुकी है। पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इमरान खान को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भले ही जरूरी वोट ना मिले हो, लेकिन असेंबली से बाहर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिलता दिखा। उन्हें बेदखल करने के विरोध में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों की संख्या काफी बड़ी रही, इसमें युवा, बुजुर्ग, महिलाओं, सभी वर्ग के लोग शामिल रहे। रविवार को कई शहरों में ऐसा ही कुछ नजारा दिखा, जिसमें प्रदर्शन करने वाले लोग इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। बता दें कि प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने पीएम कैंडिडेट के तौर पर नामांकन पत्र भरा। इसके तुरंत बाद शहबाज ने विपक्षी नेताओं को धन्यवाद दिया। वहीं पीटीआई की ओर से पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पीएम पद का नामांकन
दाखिल किया। पाकिस्तान के इतिहास में इमरान खान ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है। इसके बाद मानो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। मरियम नवाज ने इमरान पर तंज कसते हुए लिखा कि पाकिस्तान का बुरा सपना खत्म हुआ, अब पुराने खामों को भरने का वक्त है। वहीं सरकार गिरने के बाद इमरान खान का जो पहला ट्वीट था वो ये था कि 1947 में पाकिस्तान एक आजाद देश बना, लेकिन विदेशी साजिश के खिलाफ सत्ता परिवर्तन के लिए आजादी की जंग आज से फिर शुरू हो रही है। देश के लोग ही हमेशा अपनी संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। खैर, पड़ोसी देश पाकिस्तान में महीने भर से चली आ रही सियासी लड़ाई का आज कोई ना कोई अंत तो देखने को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि पाक की आवाम को आज उनके नए वजीर आजम मिल सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से जारी सियासी उठापटक का आज अंत हो गया। विपक्ष का इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, इमरान खान का इस प्रस्ताव के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताना, फिर इमरान का इस्तीफे से इनकार कर देना, पाक की नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ वोटिंग नहीं होना, मामले का सुप्रीम कोर्ट जाना और फिर आखिरकार इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना और इमरान सरकार का गिरना, ये कोई सुपरहिट मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में लड़ा गया दंगल है, जिसका सोमवार को आखिरकार अंत हो गया और पाकिस्तान में आज से शहबाज युग की शुरुआत हो गई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने शहबाज शरीफ को पाक का 23वां प्रधानमंत्री चुन लिया है। कल तक जहां शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता थे, लेकिन आज से शहबाज पाक के नए वजीर आजम कहे जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान को पाक की नेशनल असेंबली ने उनका नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। शहबाज शरीफ के समर्थन में 174 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में कोई उम्मीदवार ही नहीं था। इमरान की पार्टी पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने पहले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चुनाव न लड़ने की बात कह दी। इतना ही नहीं, पीटीआई पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए मतदान से पहले ही नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने सदन को संबोधित किया और इमरान खान के इस प्रस्ताव के पीछे बाहरी साख होने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर इस मामले में हमारी थोड़ी सी भी भागीदारी साबित हो जाती है तो मैं खुद यहाँ से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ को याद करते हुए नवाज शरीफ को सलाम पेश किया। गौरतलब है कि रविवार को इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। इमरान खान सदन का विश्वास खोने के बाद देश के इतिहास में पद गंवाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1947 में अस्तित्व में आने के बाद से पाकिस्तान ने कई बार सरकार में बदलाव और सैन्य तख्तापलट के साथ राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा है, जिसकी वजह से किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक पाक में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी दुनिया में चर्चित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। रामनवमी पर दिल्ली के जेएनयू कैंपस में हुए जबरदस्त कोहराम की वजह से ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। जेएनयू का कावेरी हॉस्टल रविवार देर शाम छात्रों के चीखने चिल्लाने की आवाजों से गूंज उठा। ये पूरा विवाद हुआ नॉनवेज खाने को लेकर। लेफ्ट विंग के कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल में छात्रों को नॉनवेज खाने से रोक दिया। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लेफ्ट विंग के लोगों ने कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा नहीं होने दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हॉस्टल में भारी हंगामा हुआ। एबीवीपी और लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस हिंसक झड़प के बीच कौन था कि इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पत्थरबाजी और मारपीट में कुछ छात्रों के जख्मी होने की खबर है। हंगामे को लेकर छात्रों के दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
एबीवीपी का कहना है कि कावेरी छात्रावास के बाहर कल रामनवमी की पूजा हुई थी। एबीवीपी के मुताबिक पूजा में शामिल होने वाले छात्रों को हॉस्टल में पीटा गया। जैसे कि मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूं और देखिए यहां का हमने आज शाम में मेरा कॉमन प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया नॉनवेज के नाम पे सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने। मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके की मत मारो लेकिन फिर भी नहीं माने और देखिए ये क्या कर दिए हैं। पीएच होने के नाते मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके की मत मारो लेकिन फिर भी नहीं माने वो लोग। मैंने बीच बचाओ भी कोशिश की लेकिन नहीं माने। उन्होंने बीच में घसीट के पकड़ के चारों लोग घेर के मारे हैं मेरे को। उधर लेफ्ट विंग का कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने हॉस्टल में मेन्यू को लेकर बवाल किया और मारपीट की। आज सुबह से एबीवीपी नॉन वेज खाना जो चिकन आज संडे है बनता है मेस में उसके ऊपर रकस क्रिएट कर रहे थे। हम लोग सब साबरमती में थे जहाँ अभी हम खड़े हैं और हम लोग को SOS मैसेजेस आना शुरू हुए तो हम लोग कावेरी पहुँचे। हम जब कावेरी पहुँचे तो हमने देखा कि एबीवीपी के गुंडे खड़े हुए थे और कॉन्स्टेंटली थ्रेट कर रहे थे। हम लोग आगे पहुँचे तो गार्ड्स ने बीच में ह्यूमन चेन बनाया और गार्ड्स के रहने के बावजूद एबीवीपी के लड़कों ने कॉन्स्टेंटली हम लोग को पुश करना शुरू किया और लड़कों ने स्पेसिफिकली लड़कियों को टारगेट कर करके उनके पैरों पे लातें मारी। जेएनयू में हुए नीट विवाद पर एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि रामनवमी पर रखी गई पूजा को लेकर लेफ्ट के लोगों ने विरोध किया था और वार्डन के नाम से फर्जी नोटिस लगाए कि पूजा नहीं होगी लेकिन पूजा खत्म होते ही बाहर निकल रहे छात्रों को लेफ्ट के छात्रों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। जब ये कार्यक्रम रामनवमी के दिन शुरू होनी थी उसी दिन रात में एक दिन रात में यानी 9 तारीख को एक फेक नोटिस आता है वार्डन के बिहाफ पे लिखा हुआ हैंड रिटन, ना कोई सिग्नेचर ना कोई स्टाम्प ना कोई सील। डीन सर ने भी सर्टिफाई किया है कि वो नोटिस फेक है। यानी पहले से साजिश रख के पूजा को डिरेल करने का, रामनवमी के सेलिब्रेशन को डिरेल करने के लिए एक साजिश रची गई थी। उसके बावजूद भी उस नोटिस को जब हम डीन सर से सर्टिफाई हो गए कि ये नोटिस फेक है फिर हम लोगों ने पूजा प्रारंभ शुरू किया। कावेरी के रेसिडेंट ने ये क्लियर कर देना चाहते हैं कल 4 कार्यक्रम होने थे, एक में भी एबीवीपी का कार्यक्रम नहीं था, इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव थे। एक जगह भजन था, दूसरी जगह कीर्तन था, कहीं हनुमान चालीसा था, कहीं मिठाई बांटने का कार्यक्रम था। इसमें क्या हुआ कि जब 3:30 बजे पूजा शुरू होनी थी तब कुछ लोग लेफ्ट और से रिलेटेड लोग जेएनयू कावेरी हॉस्टल के गेट पर आते हैं, रकस क्रिएट करते हैं, स्लोगनियरिंग करते हैं, नारेबाजी करते हैं। उस नारेबाजी में ये मतलब लोगों को एंट्री करने से रोकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने जेएनयू परिसर के अंदर हुई हिंसा के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 6 छात्र घायल हुए हैं। वहीं पुलिस अब जेएनयू की छवि खराब करने की मंशा को लेकर भी जांच में जुट गई है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।